बिल्कुल शादियों जैसी पनीर मखाना की सब्जी घर पर आसानी से बनाएं, वो भी बिना क्रीम के। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 कप मखाना को भून लेंगे। इन्हें तब तक भूनना है जब तक ये जो मखाना है यह क्रिस्पी ना हो जाए। इन्हें बीच बीच में हाथों से दबाकर चेक करते रहें। ये देखिए, ये अभी भी काफ़ी सॉफ्ट हैं। इन्हें लगातार चलाते रहें और चेक करते रहेंगे। थोड़ी देर बाद यह क्रिस्पी हो गए हैं, इनका कलर भी हल्का चेंज हो गया है। आप एक मखाने को अपने उंगलियों पर ऐसे लेकर चेक कर सकते हैं। ये देखिए, यह बहुत आराम से टूट जा रहा है। अब इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे। सेम पैन में 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे। इसमें 1/4 कप काजू डाल देंगे और इन्हें भी भून लेंगे। इन्हें लगातार चलाते हुए भूनना है जब तक इनका कलर हल्का चेंज ना हो जाए। ये देखिए, काजू कलर चेंज हो चुका है और यह काफ़ी क्रिस्पी हो गए हैं। अब इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे। इसके बाद थोड़े पनीर के क्यूब्स को फ्राई कर लेंगे। इन्हें पलट पलट कर तब तक फ्राई करेंगे जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। पनीर का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे, 6 लहसुन डाल देंगे, 2 इंच अदरक डाल देंगे। इसे 30 सेकंड के लिए भून लेंगे। इसके बाद 2 रफ चॉप किए हुए प्याज डाल देंगे। इस मिक्सचर को हम पीसने ही वाले हैं, इसलिए आप प्याज टमाटर को छोटा बड़ा जैसा चॉप करना चाहें वैसे कट कर सकते हैं। इसे तब तक पकाएंगे जब तक जो प्याज है वह थोड़ा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। ये देखिए, प्याज थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें 3 रफ चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे और अब इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक जो टमाटर है वह सॉफ्ट ना हो जाए। साथ में 3 हरी मिर्च डाल देंगे और टमाटर के गलने तक इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये देखिए, टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब इस मिक्सचर को ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसे पीस लेंगे। मिक्सचर को पीस लेने के बाद पैन में घी गर्म होने देंगे। घी गर्म हो जाने के बाद इसमें 2 तेज़पत्ता डाल देंगे, 1 इंच दालचीनी, 3 लौंग, 1 काली इलायची, 2 हरी इलायची और 8 काली मिर्च डाल देंगे। और अब इन सबको 10-15 सेकंड के लिए लगातार चलाते हुए भून लेंगे। खड़े मसाले डालने से जो ग्रेवी का टेस्ट है वो और बढ़ जाता है। अब इसमें जो प्याज टमाटर का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे और अब इसे फटाफट मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह ग्रेवी ऑलरेडी पकी हुई है, इसे पकाने में ज़्यादा समय लगेगा। बस इसे 1 मिनट के लिए पकने देंगे और उसके बाद इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। 1 मिनट बाद इसमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे, 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर डाल देंगे, यह बिल्कुल ऑप्शनल है। और अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले मिक्स करने के बाद इसे 1 मिनट के लिए पकने देंगे। 1 मिनट बाद इसमें पानी डाल देंगे। आपको ग्रेवी कंसिस्टेंसी जैसी चाहिए आप अपने हिसाब से पानी ऐड करें और इसे फटाफट ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे। यह ग्रेवी अभी भी काफ़ी गाढ़ी लग रही है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। इसमें लगभग मैंने 1 कप पानी ऐड किया है। पानी डालने के बाद ग्रेवी कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो जाए, इसलिए इसे 2 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे और इसे एक बार चला लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद इसमें 1/4 कप फेटी हुई दही डाल देंगे। गैस को बंद करके दही डालेंगे तो दही फटेगी नहीं, और दही डालने के तुरंत बाद इसे फटाफट मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं क्रीम का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, दही से ही बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस को ऑन कर लेंगे और इसे 1 मिनट के लिए पकने देंगे। 1 मिनट बाद इसमें काजू और पनीर डाल देंगे और भुना हुआ मखाना डाल देंगे और इन सभी को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो मखाने की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, मखाना ग्रेवी में बहुत टेस्टी लगता है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। 5 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। इसमें ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे खड़े मसाले ऐड किए हैं, इसलिए मैं इसमें गरम मसाला नहीं ऐड कर रही हूँ। और एंड में इसे धनिया की पत्ती से गार्निश कर लेंगे। पनीर मखाना काजू की सब्जी बिल्कुल रेडी है।
इसका टेस्ट बिल्कुल शादियों वाले मखाना पनीर की तरह लगता है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। यह बच्चों और बड़ों हर किसी को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।